संवाददाता देवेंद्र खरे जुड़े हुए हमारे साथ में, और देवेंद्र की रिपोर्ट भी ये देख रहे थे। देवेंद्र ने जायजा लिया किस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं। देवेंद्र, कितना और इंतजार अब है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पहुंचने का, क्योंकि दीक्षांत समारोह की तैयारियां तमाम मुकम्मल कर ली गई, जैसे कि अभी आप रिपोर्ट दिखा भी रहे थे। जी, आपको ये बता दें कि इसमें महामहिम राज्यपाल इस समय कार्यक्रम में शिरकत कर रही है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, जहाँ कार्यक्रम जिस तरह से कार्यक्रम चालू हो गया है, अभी आधे घंटे पहले आनंदीबेन पटेल जी इसमें पहुंची है, इसमें कार्यक्रम चालू है जी। और ये जो पुरस्कार वितरण का पूरा कार्यक्रम है ये भी शुरू हो चुका है, कब तक यहाँ पर रहेंगे आनंदीबेन पटेल जी? ये आज इनका दो दिन से आज ये पूरा दिन रहेंगी, इसमें दीक्षांत समारोह में सभी गोल्ड मेडलिस्ट को छात्राओं को देंगी, उसके बाद फिर कई पदाधिकारियों से मीटिंग करेंगी, उसके बाद रात स्नान करके सुबह 11 बजे के लिए रवाना होंगी जी। मतलब आज जौनपुर में ही ठहरेंगी आनंदीबेन पटेल, और क्योंकि लगातार सरकार की तमाम योजनाओं का और विकास कार्यों का जायजा ले रही हैं, तो यहाँ पर भी इन्हीं तमाम पहलुओं को लेकर अधिकारियों के साथ उनकी चर्चा होगी जी। अभी ये कार्यक्रम चालू है, इसमें आनंदी जी पटेल समय दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रही है, कार्यक्रम चालू है अभी थोड़ी देर में यहाँ पर। इसके बाद का उनको क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या जौनपुर में ही रहेंगी आज? जी आज ये रात विश्राम जौनपुर में करेंगी और 10:30 बजे ज्ञानपुर के लिए रवाना होंगी जी। चलिए देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कार्यक्रम शुरू हो चुका है, दीक्षांत समारोह में पहुंच चुकी हैं आनंदीबेन पटेल, और मेधावी छात्रों को आज क्योंकि पुरस्कृत करना है, 65 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करना है मेडल देकर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीक्षांत समारोह का हिस्सा बन चुकी हैं, और लगभग आधा घंटा हो चुका है प्रोग्राम शुरू हुए, जैसे कि अभी देवेंद्र खारे बता रहे थे।